डेसिमल। तो इसे सॉल्व करें, सबसे पहले आपने पहले नंबर्स को लिखते हैं 302.48, आपने माइनस करना है। अपने नंबर्स का आंसर स्टार्ट करें, पॉइंट के नीचे आपने सबसे पहले पॉइंट लगाएं, क्या है आपके पास पॉइंट से पहले होल नंबर के आपके पास एट, सबसे पहले पॉइंट से आगे एट, देन नेक्स्ट क्या है जीरो, फिर क्या आएगा आपके पास टू, बेटा नंबर के नीचे नंबर लिखिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। अब पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है टू, टेंथ के नीचे टू, अब नेक्स्ट नंबर क्या है फोर। सारा आपका प्रोसीजर ही आपको लिखने का स्टाइल है, एक बार आपने ये लिख लिया देन आप इजीली से माइनस कर सकते हैं। एट में से फोर माइनस किया जस्ट फोर, फोर में से टू माइनस किया टू, एट और टू, अब यहाँ पे टू स्मॉल है, यहाँ से आप पहले कह लेंगे ये टेन, टेन से यहाँ कह लेंगे ये क्या हो जाएगा आपके पास नाइन। अब ट्वेल्व में से एट माइनस किया क्या हो गया आपके पास फोर, नाइन में से जीरो माइनस किया जस्ट नाइन, और ये आपके पास क्या था टू, टू और टू में क्या जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 94.24, ठीक है बेटा। आपके पास लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल था, ठीक है, यानी कि आपके पास पॉइंट प्लेस, तो आपके पास जितने आपके पास नंबर ऑफ प्लेसेस थे, नंबर ऑफ डिजिट थे डेसिमल प्लेस के, उतने ही आपके आंसर में भी जो है नंबर ऑफ डिजिट आएंगे। ई पार्ट देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो नंबर डेसिमल प्लेस में डिजिट्स कितने हैं, एक में टू और दूसरे में कितने हैं वन टू थ्री, यानी कि आपके पास कौन सी डेसिमल हो जाएगी अनलाइक डेसिमल, और आपने जस्ट क्या करना है उसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपने फर्स्ट लिखे हैं एज इट इज 482.11, प्लस करना है सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्या है आपके पास पॉइंट से पहले थ्री, अपने वंस में थ्री लिख दें, नेक्स्ट क्या है आपके पास फाइव, उसके बाद क्या था सिक्स, अब पॉइंट के बाद क्या था सबसे पहले नाइन, आप नाइन लिख दें, नेक्स्ट क्या है थ्री, आप थ्री लिख दें, उसके बाद क्या आएगा एट। जी क्या सॉल्व का था कि जो आपके पास जब आप अनलाइक डेसिमल को सॉल्व करेंगे, जो आपके पास एम्प्टी स्पेस होगी जो खाली जगह होगी उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है जस्ट जीरो। अब जीरो पुट करने के बाद आप देख सकते हो कि जो डेसिमल प्लेस है वो क्या हो गई है इक्वल हो गई, यानी कि आपने अनलाइक डेसिमल को आपने किस में चेंज कर दिया लाइक डेसिमल में, आपने इसे कन्वर्ट कर दिया किस में लाइक डेसिमल में। जी स्टूडेंट, जब तक आपको लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल प्लेस डेसिमल प्लेस डेसिमल पॉइंट ये सब चीज़ों का पता नहीं होगा आप भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए पहले डेफिनेशन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अब तो ये इजीली ऐड हो सकता है, जीरो में एट प्लस किया एट, थ्री में वन प्लस किया फोर, नाइन में वन प्लस किया टेन, टेन का जीरो वन कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, थ्री टू फाइव एंड सिक्स, एट में फाइव किया एट, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, आपके पास आंसर। इसी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर का ई पार्ट देखें, सबसे पहले चेक करें कि कौन सी डेसिमल है लाइक या अनलाइक। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं टू, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं सेवन, वन डिजिट है वन डिजिट, ठीक है, इट्स मीन कौन सी डेसिमल हो गई अनलाइक डेसिमल। तो सबसे पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे इसको लाइक में, कैसे करेंगे 49.34, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से आगे क्या था होल नंबर एट, सिंपल वैल्यू है आप दिख दें, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या आपके पास सेवन, बेटा आपने फर्स्ट डिजिट के नीचे ही लिखना है, ठीक है, पॉइंट से ही जैसे पॉइंट है उसके लेफ्ट से जहां से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, और डेसिमल राइट से स्टार्ट हो रहा है तो आपने राइट से ऑनवर्ड जाना है, आगे पीछे वैल्यू करेंगे तो आपके आंसर खराब हो जाएंगे। माइनस करना था जी, इसे लाइक डेसिमल करने के लिए क्या जरूरी है कि जो खाली स्पेस है उसमें आपने क्या पुट कर दिया जीरो। अब फोर में से जीरो तो माइनस हो सकता है फोर, थ्री में से सेवन माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लिया ये क्या हो गया आपके पास एट, और ये क्या हो गया आपके पास वन। अब थर्टीन में से सेवन माइनस करो तो कितने आ जाएगा आपके पास सिक्स, आपने सिक्स से किया पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब एट में से एट माइनस करो क्या आ जाएगा जीरो,
अब ये फोर था इसलिए कुछ नहीं है, आप यहाँ पे भी जीरो लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं है, बस आपने डेसिमल को, डेसिमल के जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने लाइट डेसिमल में लाजमी कन्वर्ट करना, तो ये फोर नीचे क्या आ जाएगा एज इट इज। तो जी स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा कि आपने अनलाइक डेसिमल से आपने एडिशन के क्वेश्चन भी किए, सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, बाकी पार्ट इंशाल्लाह तआला आप खुद करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास क्या था, फिल इन दी ब्लैंक्स। डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने अपनी ब्लैंक में आपके पास ए पार्ट क्या है कि आपके पास डेसिमल पॉइंट्स हैं, आपने जिसका क्वेश्चन नंबर फोर किया उसको सिंपल आपने ऐड करना है, आपने देखना है कि पहले कि क्या इनकी डेसिमल प्लेस जो है वो इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये वन डिजिट्स हैं और ये कितने डिजिट्स हैं, टू। तो सबसे पहले आपने इसे कन्वर्ट करना है लाइक में, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फोर के दैन सिंपल ऐड करके आपने आंसर लिखना है। बी और सी पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ दे सेम है, आपने जस्ट इसको माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू लगानी है, और सी भी आपने जस्ट इन्हें आपस में प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट डी की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर वन के डी पार्ट में 7846.119 इज टेकन अवे, आपने क्या कर दिया, टेकन अवे फ्रॉम 9000। वो इस चीज में सिर्फ आपको जो है फर्क आएगा कि टेकन अवे से क्या मतलब है, बेटा आपके पास ये नंबर डिजिट्स है आपने टेकन अवे से दूर कर देना है, या आपने दूर कर देने का मतलब होता है आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट माइनस कर देना है। इस नंबर को किस में से माइनस करना है, फ्रॉम का मतलब ही आता है इससे, यानी कि इन नंबर को आपने 9000 में से माइनस कर देना है। अब माइनस कैसे करेंगे, मैंने आपको लिख दिया कि सबसे पहले आपने 9000 के आप देख सकते हैं कि कोई भी आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंट लगाया, और जितने आपके पास नेक्स्ट वैल्यू के डेसिमल पॉइंट थे उतने मैंने क्या लगा दिए, जीरो। अब आपने सिंपल इसे माइनस करना है, जीरो था आप यहाँ से कैरी लिए एट, ये टेन, यहाँ से यहाँ पे कैरी लिया, ये टेन से क्या हो गया नाइन, फिर सिंपल का आप कैरी लेते रहे ये टेन, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी नाइन, आप इसे माइनस करें आपका आंसर। ई पार्ट में देखें 132.5 एंड 632.005 ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, आपने इसे कंबाइन कर लेना, इकट्ठा कर लेना, और जब ऑल टुगेदर आएगा इसका मतलब आपने क्या कर देना है, जस्ट सिंपल ऐड कर देना है, आपने इन्हें जस्ट आपने सिंपल ऐड करना है और आपका आंसर। तो देखें आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, बेटा स्टेटमेंट्स आप लोगों ने बड़े गौर से पढ़नी है, और इस इन तमाम स्टेटमेंट के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या है आपके पास, फर्स्ट इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर, आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, इफ ईच नंबर हैज अ डिफरेंट डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस उनके क्या है डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है उसकी पॉइंट वन है तो दूसरा नंबर उन्होंने कह दिया 23.23, ये आपके पास डेसिमल प्लेस डिफरेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उन्होंने आपसे नंबर नहीं पूछा, उन्होंने कहा है कि दो आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं उनकी जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो क्या है आपस में डिफरेंट है, देन द नंबर कैन नॉट बी एडिट, तो क्या नंबर ऐड नहीं हो सकता, बेटा डेसिमल जो है अगर डिफरेंट है इसका मतलब वो अनलाइक डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल क्या ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर फोर में किया, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि वो ऐड नहीं हो सकते, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास फॉल्स, क्योंकि आपके पास अनलाइक डेसिमल ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। लाइक डेसिमल, अब लाइक डेसिमल क्या है, पहले देख लेंगे जिनके डेसिमल के बाद जो पॉइंट है नंबर्स हैं डेसिमल प्लेस वो क्या होती है इक्वल होती है, अब देखें लाइक डेसिमल नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जी सेम नंबर होते हैं, सेम हो या इक्वल हो एक ही बात होती है, तो डेसिमल प्लेस क्या वो सेम है, तो इसका मतलब लाइक फैशन भी लाइक डेसिमल की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर रही है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट में आए द नंबर 81.008 हैज वन डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है 1 2 3, लिखा कितना है उन्होंने 1, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू हुई, जी नहीं, स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। डी में देखें टू
डेसिमल शुड बी कन्वर्टेड टू लाइक डेसिमल। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कन्वर्ट किया था कि जहां अगर अनलाइक है तो जहां स्पेस है वहां हमने जीरो लगाए, तो इसका मतलब हुआ कि अनलाइक को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। ई पर देखें, द नंबर 34.80 हैज टू डेसिमल प्लेस। जी बिल्कुल, टू डेसिमल प्लेस से स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास? ट्रू। बेटा सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद अपनी बुक में सॉल्व करने है, ये एज एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपनी बुक में। थैंक यू क्लास।